जिज्ञासा के माध्यम से खुशी। खुशीआर एस क्लिप्स क्यूरियोसिटी दोस्तों क्या बात करें आपसे सुशांत इतनी सारी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं हम <laughs> आपसे

哈哈哈。<laughs> तो मैं ने? उनको बोली कि मैं तो ये सब लड़ाई वड़ाई नहीं कर सकती mm. इसमें इस क्या मेरे मेरे सीजन में तो मेरे को डर ही लगता था बाबा कि कॉफी बना के पिओ और mm. कोई आपको के, मेरे कप में से सा कैसा पी <laughs> ही देती हूँ <laughs> ये क्या ऐसा चिंदीगिरी करते बाँप्रे? मेरे को नहीं होता एंड माला मराठी मधे विचार लो मरा बिग बॉस आई द थिंग इज दैट जितना मतलब बाहर कमाते हैं और फिर ये भी होता है कि डिस्पैरिटी होती है कि ट्रांस है ये है वो है तो बट मैंने कहा यार आर्ट 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 होता है कला कला होती है अगर टाइम चाहिए तो टाइम की तो कीमत होगी ना कुछ ना कुछ और अब दस साल पुराना जो मेरा लिटरली दस साल पहले मैं गई थी बिग बॉस के घर में फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज ट्वेंटी थ्री अभी अगले महीने में मेरा थर्टी थ्री होंगी मैं <laughs> तो दस साल में आप, आपने तो बजट ही नहीं बदले hmm. शो का फॉर्मेट छोड़ो <laughs> आपने आपने बजट ही नहीं बदले मैंने बोला इतने में तो नहीं आऊंगी मैं इतने hmm. में तो मैं घर पर बैठ के <laughs> कर, कैंपेन करती हूँ <laughs> और दिन में मैं चार करती हूँ तो मैं तो नहीं आऊंगी hmm. तो मैंने बोला कि ठीक है then I, then I कि जब एज वी प्रोग्रेस इन लाइफ ना दे पीपुलव टू प्रोग्रेस जो शोज बनाते हैं स्क्रिप्ट लिखते हैं उनको भी प्रोग्रेस करना चाहिए क्योंकि अगर मैं नहीं तो किसी और को ले लेंगे पर एट द सेम टाइम आप किस लिए ले रहे हैं आप क्यों ले रहे हैं इनको आपके शो में आपको ड्रामा चाहिए आपको मसाला चाहिए आपको इधर उनको चिमटा मारने का है इधर से उनको ये करने का है यू नो एक्टिवेट एक्टिवेट दिस हेट्रेड एक्टिवेट द ट्रांसफोबिया तो इसको डालो तो मैंने इसको इनको यही बोला कि अगर मैं जाऊंगी जब तक मेरे इधर नहीं आके किसी ने मेरे को परेशान किया तब तक तो मैं सबको खाना बना के चाय बना के सबको पिलाती खिलाती रहूंगी ये मेरा मेरा पहला पहला अगर मैं वापस जाऊंगी तो मेरा पहला सीजन होगा पे लोग हेल्दी है, आएंगे बिग बॉस के घर से हम लोग तो ऐसे आते थे अब कभी के यार कैसे मिलो नहीं 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 वो मेरे सीजन में नहीं थे मेरे को उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और मेरे को कोई ओपिनियंस नहीं है किसी के बारे में जिन जिनके बारे में मैंने जिनको एक्सपीरियंस नहीं किया मतलब अगर हमने एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं की तो मैं चाहे ना उनको सही बोलूं ना गलत बोलूं मेरे को बोलने का ही नहीं मुझे okay. कुछ बोलना नहीं okay. वापस ये conversation. Conversation. थी नहीं, नहीं 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 वो सवाल अब आ रहा है गॉड <laughs> oh <God>. क्या <laughs> बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेमस हो चुके अब हा? अलग अलग इंडस्ट्रीज में एकदम टॉप तक पहुंच गए स्पोर्ट्स में एक्टिंग में मुंबई में Hmm. जहां ये सारे मिलते हैं हमें यहाँ भी लेटेंट होमोसेक्सुअलिटी है यस yes. जो मतलब आप कभी बिलीव ही नहीं करोगे कि ये भी इंसान एक्चुअली एल है होमोसेक्सुअलिटी छोड़ो ट्रांसजेंडर होते हैं बहुत सारे लोग अब मैं आपको क्या द लीडिंग सिंगर्स इन आवर इंडस्ट्री इज ट्रांस जिनके गाने में हम सुन सुन के हम बड़े हुए जिनके गाने आज भी मैं गाती हूँ आज भी मैं कल कल मेरा शो है बैंगलोर में मैं उनके गाने गाऊंगी मैं उनको मिली तभी मेरे को इतना सी धक्का मतलब क्या कि उनका जो पब्लिक इमेज है वो एक बहुत ही मर्दान मर्दाना आ, उनकी आवाज ऐसे ऐसे बहुत ही बुलंद बापरी जब भी मैं उनको मिली वो तो घाघरे में थे तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि पर एट द एंड ऑफ द डे क्यों क्योंकि मेरे को भी सिखाया गया था ना कि जो दिखता है वो ही है ये लेटेंसी के बारे में मेरे को भी पता नहीं था जो छिपा हुआ है उसके पीछे जो मुखौटा पहनते हैं उसके पीछे कौन है क्या इंसान है वो हमको भी पता नहीं था क्योंकि हम लोगों को ऐसे पार्टीज में बुलाए बुलाते तो है थे ही नहीं अभी जब मेरे को बुलाते हैं फिर मैं जाके देखती हूँ तो फिर उनका जो उनकी जो असली असलियत है वो हमको दिख जाती है पर मेरे को इतना बुरा लगा कि वो इतने सीनियर हैं और उनको इतने सालों के लिए वो दबा के रखना पड़ रहा है आज भी वो नहीं आके बोल सकते हैं सामने कि मैं हूं जो हूं। तो वो और जब मेरे को फिर वो बात खटकती है ना तभी मेरे को लगता है कि ठीक है यार हमने कुछ तो अच्छा किया होगा कि हम आके हम आगे आके अच्छा मतलब अपने आप के लिए मेरे को बहुत सारी लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस ने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं डायरेक्टर्स हैं प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने बोला यार तुम क्यों वाई यू आर कमिंग आउट एस तू अगर लड़के के जैसे रहता ना तो तेरे को बहुत काम मिलता मैंने बोला और मैं मेरे, मेरे को काम मिलता हाँ मेरे को ऐसे भी काम मिलता है मेरे को उधर ऐसा काम मिलता पर मैं कैसे जीती घुट घुट के जीना पड़ता मुझे और वो पैसे का मैं क्या करती थेरेपी में डालती मेरे रिलेशनशिप्स गटर में चले जाते हैं मैं मेरी कमियों के वजह से दूसरों को ये जो ऐसे होते हैं ना ट्रोल्स दूसरों को गाली देना दूसरों पे नफ़रत ये मेरा चिड़ आती थी ये होता था मेरे साथ भी अगर मैं कंटिन्यू करती सिंस टेन इयर्स बैक व्हाट आई एम टुडे अगर मैं कंटिन्यू करती तो होता ना वो आज मेरे घर पे अगर मेरे दोस्त हैं तो वो मेरे दोस्त पहले हैं वाइफ बाद में होंगे, सेक्स वर्कर बाद में होंगे, डॉक्टर बाद में होंगे, सब आपके साथ में खाना खाते हैं हम दोस्त ये मैंने इस जर्नी के थ्रू सीखा है ये जो लेटेंसी होती है बहुत है बहुत हमारे इंडस्ट्री में बहुत है डॉक्टर्स हैं जो ट्रांस हैं बट वो कहाँ बोल नहीं सकते क्योंकि उनका उनकी रैगिंग होगी कॉलेज में वो कहा अभी जो, आप सोचो मेरी एक बहन है रूथ डॉक्टर रूथ पॉल आम, मैंने उनके साथ एक इंटरव्यू किया था और उन्होंने बोला है कि जब वो मेडिकल कॉलेज में थी वो लड़का बन के रही क्योंकि वो फैसिलिटी नहीं थी ना उनके लिए उसके बाद उनको डिग्री हासिल करने के बाद वो के शी केम आउट एज ट्रांसजेंडर एज अ ट्रांसवुमन फिर उनकी सर्जरीज हुई अब आज वो अपना क्लिनिक चलाती हैं और जिन लोगों को वो देखती नहीं है आपकी लैंगिकता क्या है जैसे हम लोगों को पूछते हैं ना हम लोग का मजाक उड़ाते हैं हम लोग मर रहे होंगे भी तभी भी हम लोग से फॉर्म फिल करके बोलते हैं कि ये कहाँ टेक मार्क मारेंगे ये मतलब एक इंसानों की कीमत ये हो गई है आज कि हम एक दूसरे का इतना मजाक उड़ाते कि कोई मर रहा है पहले उनका इलाज तो करो ना ये हो गया बट नाउ लाइक फॉर एग्जाम्पल रूथ है उसने अपने क्लिनिक uh, uh, में वो सबको ट्रीट करती है और इनफैक्ट शी ट्रीट्स पीपल जो अफोर्ड नहीं कर सकते जिनके पास पैसे नहीं हैं मेडिसिन uh, के लिए वो देती है उनके लिए वो उनको क्योर करती है सी देर आर पीपल जो होते हैं अभी सारे प्रोफेशंस में ऐसे होते हैं लोग पर हमको हम शायद देख नहीं पाते हैं उनको बट इसका ये मतलब नहीं कि हम समझते नहीं है उनको क्या बीत रही है आपके सामने खुल के बात करते हैं ये लोग हाँ खुद के, के ज़्यादा जा, हाँ, ही खुल हाँ, के बात करते हैं फिर मेरे को थोड़ा ऐसा होता है कि हाँ, <laughs> मैं चली क्या इधर से? Okay, नाम लिए बिना मैं आपसे पूछना चाहूंगा किसी फेमस एक्टर के साथ कोई कॉन्वर्सेशन के बारे में और फेमस स्पोर्ट्स स्टार के साथ कोई कॉन्वर्सेशन के बारे में क्या बताया उनकी रियालिटी के बारे में उन्होंने सी आई टेल यू एक एक बात तो ये है कि आपने जो दो इंडस्ट्रीज का uh, या इंडस्ट्री नहीं जो दो प्रोफेशन uh, कह सकते हैं एक स्पोर्ट्समैन एंड स्पेशली अगर वो क्रिकेटर हो तो और एक फिल्म इंडस्ट्री में से इन ये दो दीज आर पल्स ऑफ इंडिया ओके फिल्म एंड क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स दिस इज थ्री थिंग्स आर द पल्स एंटरटेनमेंट में चलो क्लम कर देते हैं उसको ना तो अगर आप इन तीनों में हैं तो देन यू आर ऑलवेज पब्लिक आई में होते हैं आप है ना पब्लिक डोमेन में आपकी सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में रहती हैं एंड ये कल्ट्स हो जाती हैं मीन्स लाइक दे बिकम कल्ट फिगर्स पॉप कल्चर में बोलते हैं ना वो पॉप कल्चर में दे बिकम पॉप कल्चर रेफरेंस तो ये हो जाते हैं कि उनकी फैन फॉलोइंग मतलब इट्स मैडनेस बट वेरी फ्यू पीपल नो कि उसके आगे और उसके पीछे वो इंसान क्या है और वो क्या करते हैं उनको क्या पसंद है वो भी उनकी पी आर उनको बोलती है कि आप ये बोलो और ऐसे बोलो और ऐसे मुस्कुराओ और ऐसे यू नो बी क्यूट लाइक दैट सो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होते हैं जहां पे आई ऑनेस्टली जो वो है जैसे हैं वो वैसे ही है अभी नहीं, नहीं, है। नहीं है मतलब ओपनली है कि ये ऐसे दिखावा कर रही है पर बहुत सारी लड़कियां ऐसी ही हैं लड़के भी हैं बट अभी ना उन लोगों को ट्वीट करने बोला है लड़कों को मतलब जो उनकी पर्सनैलिटी टाइप है ना वेरी हसमुक इट्स वेरी लाइक क्या दिल क्रैक जोक्स दिल बी फनी उनको बोला है थोड़ा ना मैचो बनो और ये फेमस लोग हैं हाँ तो बट बट आई सी दैट गर्ल्स आर स्टिल स्टेइंग ट्रू टू बॉयज टूम ये जो फ्रेश बैच आया है ना एक्टर्स uh, का बोथ बॉयज एंड गर्ल्स बहुत जल्द मैं ये भी बोलूंगी कि फ्रेश बैच आया ना बॉयज गर्ल्स एंड ट्रांस क्योंकि मेरी बॉलीवुड डेब्यू आर फाइनल पाइन हमने इधर ही मैनिफेस्ट किया था ना ये मैनिफेस्टेशन wow. के चक्कर में हो गया इस <laughs> रूम की खासियत ही है <laughs> हाँ और ऑफ um, कोर्स मैंने मेहनत की बट uh, uh, <laughs> वो भी मैं अपने आप को थोड़ा क्रेडिट दे देती हूँ पर मेरा हे hey भगवान <laughs> पत्नी भेजो <laughs> नहीं इतनी जल्दी नहीं चाहिए भाभी इतनी जल्दी नहीं चाहिए तुम काम करो पहले कर। <laughs> मुझे, मुझे अब चाहिए मुझे कल चाहिए अरे <laughs> no. आ... नो पहले, पहले पहले कितनी सारी चीजें करनी है विराट कोहली का इंटरव्यू लेना है बस या ये सारे करो ना मैनिफेस्ट करो मैनिफेस्ट करो मैनिफेस्ट करो मैंने तो मैनिफेस्ट इधर ही किया और हो गया और अभी मैं मेरे दिमाग में कर रही हूँ अभी मैनिफेस्ट बैठे बैठे तुमको पता भी नहीं है ना, क्या मैंने क्या मैनिफेस्ट किया है okay, okay. तो हो जाएगा वो भी और फिर तुम मेरे को मिठाई भेजना फिर तुम्हारे लिए कर रही हूँ मैं okay. तो ये होता है कि यू नो समाइम्स यू फील कि ये अरे यार ये कैसा है यार ये तो बहुत अलग है बट इट्स ऑल पी आर ये सब पी अपना इतना मशीनरी चलाते हैं कि लाइक फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ इफ यू आस्क मी आई तो कॉन्ट अफोर्ड पी आर राइट नाउ मेरी पी आर इज वेरी एक्सपेंसिव बहुत पैसे लगते हैं हम तो ये एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जितना हसल एक मर्द और, और औरत करते ना उससे पांच या दस गुना ज्यादा मुझे करना पड़ता है हर दिन मैं तीन तीन चीजें करती हूँ इससे पूछ मैं उसको बोली ये राज को बोली मैं बहुत मेरे को करना पड़ता है स्ट्रगल नहीं हसल स्ट्रगल का एक दौर था वो अभी हो गया बट हसल क्यों करना पड़ता है ना क्लाइंट के साथ ये मेरे को झगड़ा करना पड़ता है नियरली अरे कि मेरे को अगर आप इतना दोगे तो ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट रेट लोगों का मार्केट रेट भी है ना वो थोड़ी मेरे मेरे लिए फ्री में काम करेंगे hmm. मेरे को अच्छा नहीं लगेगा कि hmm. वो फ्री में कर रहे हैं क्योंकि कोलेबरेशन है उनको भी अपना पैसा मिलना चाहिए उनको फुल मार्केट रेट मिलना चाहिए जितना मेरे को मिलना चाहिए आप मुझे ही नहीं दे रहे तो मैं उनको क्या दूंगी ये हालांकि ये उनको पता है कि मेरे पोस्ट पे ट्रैक्शन बहुत आता है उनको पता है वो लोग लो अभी आजकल तो ये डाल देते हैं ना एक कुछ ये मशीनरी आ गई है ना कोई सॉफ्टवेयर आ गया है क्या आप उसमें डाल दो तो आपको पता चल जाएगा इनसाइट्स कितना क्या है क्या है वॉट तो वो उनको पता है कि मेरे इतने सा, इतना है मेरा रीच फिर भी मेरे को इतना कम पैसा देते हैं एंड सेम कैंपेन्स के लिए मेरी ही दोस्त हैं मेरे ही दोस्त हैं बॉयज गर्ल्स हैं क्रिएटर्स जिनको मेरे से एटलीस्ट ट्वाइस मिलता है दुगना हालांकि उनका रीच उतना है भी नहीं तो व्हाई वी आर डूइंग लाइक दिस सो द थिंग इज दैट दैट्स व्हाई मे बी ऑल्सो वी वांट थोड़े लोग चाहते हैं कि वो लेटेंट ही रहे वो छिपा ही रहे अपनी असलियत छिपी ही रहे ताकि उनको एटलीस्ट ये मिले बट यू हैव टू चूज आपको सॉरी यू हैव टू चूज के आपको क्या चाहिए आपको पैसा चाहिए फेम चाहिए कि आपको खुशी चाहिए अपने आप में आप अपने सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की मेरे जितने भी एल जी बी टी शायद सिर्फ आप एक, एक मेरे इनर सर्कल में एक फ्रेंड हो बट एल जी बी जितने भी फ्रेंड्स हैं बहुत ज्यादा सक्सेस मिला है उन्हें करियर में हुँ. सब सबके सब, क्यों क्योंकि एल जी बी अगेंस्ट लैंगिकता है ना वो मर्द या औरत है वो ट्रांस नहीं है तो ट्रांस पीपल आर मोस्ट विजिबली एल जी बी टी मतलब कम्युनिटी हम दिखते भी हैं वो बोलते हैं ना कि तुम तो गे दिखते ही दिख, लगते ही नहीं हो बहुत सारे ऐसे हमारे इंडस्ट्री में हैं जो लगते नहीं हैं जो हम हमारा परसेप्शन है ना लगना चाहिए तुम तो गे लगना चाहिए यू नो तूने पिंक पहना है तो तू है hmm. तू पिंक क्यों पहना ये पिंक ये भैया कलर का भी जेंडर था मेरे को पता ही नहीं तो ये हम कितनी कितने लेवल्स पे एक दूसरे को जज करते हैं देखो मैंने पिंक इसलिए पहना क्योंकि बचपन में एक मीम पढ़ा था मैंने कि गर्ल्स लव अ गाय हु कैन पुल ऑफ पिंक तो ये मेरा लाइफ हैक है मैं पिंक ज्यादा पहनता हूं आई कैन पुल इट ऑफ सो स्वीट नहीं बट माय थिंग इज दैट क्या हो गया तो अगर मैं अ, अगर अ, अ, मेरी मां ने ब्लू पहना तो क्या वो मर्द हो गए क्या hmm. कुछ भी कुछ भी बा, बात करेंगे एंड uh, मतलब द थिंग इज जो हमारा एक जो इंद्रधनुष में इतने सारे कलर्स हैं जो एक प्रिज्म जो प्रिज्म इफेक्ट बोलते हैं जिसमें से वो डिसिपेट होके लाइट यू नो गोज इन टू सो मेनी कलर्स इतने सारे इतने सारे रंग हैं उनके कॉम्बिनेशन अगर आप रेड एंड येलो कॉम्बाइन करो ऑरेंज और ये कम्बाइन करो और ब्लू और ये कंबाइन करो तो इतनी सारी कलर्स आएंगे आपको hmm. तो दिस इज द मैजिक ऑफ द रेनबो एंड वी आर द रेनबो कम्युनिटी है ना तो हम किसी को जज नहीं करते

जब मैं मिशिगन यूनिवर्स मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में गई लेक्चर देने फिर आ, मैं इधर गई एल में न्यूयॉर्क एशिया सोसाइटी में बैठी आ, और इतने सारे बिलियनर्स विलियनर्स देख के मेरे थोड़ा चक्कर आया मेरे को बट मैंने बोला कि इन लोगों ने मेरे जैसे को देखा ही नहीं है इधर mm. क्यों मैं सपने नहीं दे सक देख सकती बिलियनर बनने का mm. मैं पूरा पूरा टाइम मांगते ही रहूँ मैं कमाऊँ नहीं क्यों ये भी एक प्रश्न हमको एक दूसरे से पूछना चाहिए ना वाई वी शुड डोनेट हमको डोनेशन की क्यों ज़रूरत होनी पड़ती है हम हमारे दो हाथ हैं जो जिनसे तालियां बजाते हैं हम उससे हम काम करके कमाएंगे ना मांग मांगना हम हमें भी पसंद नहीं है सो so, मेरे को लगता है कि दीज आर सर्टन स्मॉल स्मॉल थिंग्स अगर हम चेंज करेंगे ना ट्वीक करेंगे ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि लेटेंसी कम हो जाएगी और चेंजेस ऐसे <laughs> आते हैं, आते हैं। एक, एक, चंडीगढ़ उन्होंने बोला की उन्होंने हमारा पॉडकास्ट देखा पिछला वाला और उनको बहुत अच्छा लगा जो वैष्णो देवी के बारे में मैंने बोला था ना वैष्णो देवी माँ के बारे में तो उनको बहुत अच्छा लगा अभी सोचो आपका कहाँ कहाँ लोग देखते हैं और उन्होंने मेरे को ये ऐसे देख के ये नहीं देखा कि यार ये जड़ा है ये ट्रांस है नहीं उन्होंने मुझे बोला कि वाह अभी अग, अगली बार जाएंगे ना हमारे लिए भी दुआ करो हा हाज एन इंसान इंसान देखा ना और यही गोल है हमारा बस तो यू आर अचीविंग इट दोस्तों टी आर एस हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को टी आर एस हिंदी बहुत जल्द